बेसिकली होता क्या है कि हर एक के पास में ना ज्यादा स्पेस नहीं होता है ज्यादा घर में, और ज्यादा स्पेस होता भी है ना तो सामान रखने के लिए उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजर नहीं होते हैं, या मतलब उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही यूजफुल टिप्स लेके आई हूँ। कुछ ये जो थैले रहते हैं ना जिनमें हम लोग सामान लेके आते हैं मार्केट से, जो सामान खरीदते हैं हम लोग शॉपिंग करते हैं उनमें, ये बिल्कुल फ्री मिलते हैं। ये वाले बैग हैं जैसे, ये देखिए, ये कपड़े वाले जो कैरी बैग मिलते हैं ना, ये इस तरह के कुछ बैग हैं जो मेरे पास में बहुत सारे, मेरे पास क्या सभी के पास में बहुत सारे ये बैग पड़े रहते हैं, और जिनमें से कुछ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कुछ की क्वालिटी नॉर्मल रहती है। तो मेरे पास में देखिए, जैसे ये मिठाई वाला बैग है, ये सारे बैग रखे हुए थे, मैं इन्हें कई दिन से इकट्ठे कर रही थी और बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे अपनी कवर्ड पूरी ऑर्गेनाइज करनी है अच्छे से, वेस्ट मटेरियल से मुझे सारे ऑर्गेनाइजर बना दिए हैं। क्या क्या ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। एक रुपये का भी खर्च नहीं है, बिल्कुल जीरो, और इतने सारे मैंने ये इकट्ठे कर लिए हैं, ये देखिए। तो आज मैं इनसे बनाने वाली हूँ बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजर, जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, और कोई भी खर्चा नहीं है जिसमें। चलिए, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ये वाले जो बैग है ना, इनका मैं क्या करूं क्या करूं, क्योंकि जब भी शॉपिंग करने जाओ तो हर शॉपिंग के साथ में ये बैग तो फ्री आता ही है, जो भी सामान बाई करो वो इसी बैग में रख के मिलता है। तो काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, बहुत सारे तो मैं फेंक चुकी हूँ, किसी में कूड़ा वगैरह भर देती थी, किसी में कुछ कर देती थी, ऐसे करके मैं इनको फेंक चुकी हूँ। अच्छा, पॉलिथीन का क्या रहता है कि कोई भी सामान हो उसमें बांध कर रख दो, लेकिन इनमें ऐसा क्या बांध के रखा जाए। तो ये एक तरह से वेस्ट होते थे, बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे और कहाँ तक फेंको। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इनका क्या किया जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र लेके आई हूँ जिसमें कोई भी खर्चा नहीं है, जीरो ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया हुआ है, मुझे बेहद पसंद आया। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कवर्ड वगैरह में ना कोई भी ऑर्गेनाइज़र बाई कर लेते हैं तो वो परमानेंट हमारे पास हो जाता है, हमेशा के लिए हो जाता है। कभी कभी लगता है कि कुछ चेंज करो, तो जब किसी चीज़ में पैसे डाले हैं ना तो उसको चेंज करो, तो कैसे चेंज करो। तो इसी वजह से ना ये ऑर्गेनाइज़र ऐसे हैं जो बेस्ट हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनको अगर आप चेंज करना चाहते हो या कुछ और डिज़ाइन भी करना चाहते हो वो भी हो जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए, जब पैसा खर्च होता है ना तो उस चीज़ को वेस्ट करना भी खलता है। इनमें कोई भी खर्च नहीं है हमारा, आप जब चाहो तब इन्हें चेंज करो, वॉश करो। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ये गंदे लग रहे हैं तो वॉश भी कर सकते हो, वरना इनको हटा के फटाक से दूसरा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे ही मैं कुछ ईजी और बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र आप लोगों के साथ में लेके आई हूँ जो आपकी कवर्ड को व्यवस्थित रखेंगे। ये एक बड़ा सा यहाँ पर मैंने कैरी बैग ले लिया है कपड़े वाला, और इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, चारों तरफ से बिल्कुल बराबर से इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और
इसके बाद में यहाँ पर ये जो बच्चे एग्ज़ाम टाइम पे पैड ले जाते हैं ना, जिसमें अपना ये पेपर रख के लिखते हैं ना, तो ये वाला पैड मेरे पास में वेस्ट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको यहाँ पर बैलेंस करने के लिए ये ठीक है, और ये वैसे भी कबाड़ में पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको साफ़ किया और यहाँ पर यूज़ पे ले लिया। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं चारों तरफ इसमें ये सपोर्ट के लिए नहीं लगाऊंगी, कार्डबोर्ड बॉक्स का ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा पार्ट कट कर लिया है, पर इसको मैं ना चारों तरफ सपोर्ट के लिए नहीं यूज़ करूँगी, मैं सिर्फ इसको अंदर इस तरह से आमने सामने रखूँगी। और देखिएगा आप कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज़र ये सेट होगा, बहुत ही बढ़िया बनेगा। इसमें मैं कुछ कपड़े भी आपको लगा कर दिखा रही हूँ। होता क्या है ना कि देखिए काफ़ी लोग हैं जिनके घर में कार्डबोर्ड बॉक्स मिल जाते हैं या कुछ इस तरह से दफ्ती वाले आइटम मिल जाते हैं, पर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं ना जिनको वो आइटम नहीं मिलते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन यूज़ है। इस तरह से कि देखिए आप केवल दो तरफ मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, बट हाँ नीचे बैलेंस करने के लिए आपको तो रखना ही पड़ेगा। आप चाहे तो नहीं भी रखें, अगर कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है आपको तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी रख देंगे तो आएगा, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनेगा, बट क्या है ना कि जो एक सेट होता है ना अच्छे से वो सेटिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दो कार्डबोर्ड के पार्ट कट किए हुए थे और उन्हीं से मैंने ये पूरा ऑर्गेनाइज़र सेट कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छे से हुआ है। आप देख सकते हैं इसको पकड़ने के लिए किसी हैंडल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से इसने कपड़ों को बैलेंस भी किया हुआ है। देखिए मैं इसमें कपड़े बहुत आराम से रख रही हूँ, अच्छे से रख रही हूँ और काफ़ी सारे रख रही हूँ, इसका शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, ये देखिए। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, चारों तरफ मुझे इसमें लगाने की बजाय इस तरह से, भाई जिनके पास में कार्डबोर्ड बॉक्स नहीं है या दफ्ती वाले आइटम नहीं है तो अब वो कहाँ से लेके आए या फिर उनको ख़रीदें, तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फिर भाई जीरो से ही हम लोगों का इसमें काम होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसमें इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र को पूरा कपड़ों से सेट कर दिया है। अब आप बताइए ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो है कैसा लगा। देखिए मैं इसको पूरी तरह से घुमा रही हूँ, हर तरह से पकड़ के खींच रही हूँ, बिल्कुल भी बिगड़ नहीं रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो ये रहा मेरा पहला ऑर्गेनाइज़र। अब यहाँ पर मैं जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र है ना, बहुत ही बेस्ट है ये आप लोगों के लिए। हम लोग क्या करते हैं ना कि सब्जियाँ वगैरह रखने के लिए वेजिटेबल स्टोरेज बैग आते हैं ना, जो वेज स्टोरेज वो हम लोग बाय कर लेते हैं, अब हर कोई तो बाय नहीं करना चाहता है ना, तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल वैसा ही बढ़िया सा बैग बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल साइज़ का बिल्कुल ये कपड़े वाला जो कैरी बैग होता है ना इसको ले लिया है, और इसका जो ऊपर हैंडल वाला एरिया था उसको मैंने कट कर दिया है। उसके बाद में ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा पार्ट लग रहा था सब्जियाँ रखने के हिसाब से, तो मैं एक साइड से इसको कट कर दूँगी, सिर्फ एक साइड से ही कट कर दूँगी, जितनी मतलब सब्जियाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं होती हैं, जैसे तरोई वगैरह है तो थोड़ा मैंने साइज़ भी इसका बड़ा कर दिया है, या एक किलो या दो किलो टमाटर है तो इस अकॉर्डिंग की साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, एक तरफ से मैंने इसको कट कर दिया है, हैंडल वाला एरिया भी मैंने पार्ट कट करके निकाल दिया है, अब इसको एक तरफ से उल्टा कर देंगे, फोल्ड कर देंगे और उल्टे तरफ से इसमें सुई धागे की हेल्प से इसको फटाफट से स्टिच कर लेंगे, इस तरह से जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ। रफली स्टिच कर लीजिए या फिर अच्छे से स्टिच कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे से ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये भी बहुत ही अच्छा इस तरह से सेट हो जाता है, सब्जियाँ बहुत अच्छे से आ जाती हैं। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है कि ये कपड़े का है, दो तीन बार यूज़ करने के बाद में ये कपड़ा जो है ना इसका सॉफ्ट हो जाता है, और जैसे धनिया पत्ती है, पुदीना वाली सब्जी पुदीना है, तो वो क्या रहता है ना कि आप ऐसे रख दीजिए पॉली बैग में तो वो धनिया भी बेकार सी हो जाती है, कपड़े वाले बैग में अगर आप धनिया रखोगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और इसमें अगर हल्की सी गीली धनिया भी रह जाएगी ना तो फिर इसमें कपड़े के बैग होने की वजह से ये उसका जो मॉइस्चराइज़र है ना वो भी सोख लेगा। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से मैंने पूरी सिलाई इसमें मार दी, अच्छे से स्टिच कर लिया। आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाला एरिया है ना उसको इस तरह से पलट देंगे और दो फोल्ड करेंगे, दो फोल्ड करने के बाद में करीब एक एक इंच का हिस्सा इस तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद इसमें सिलाई करेंगे।
तो ये वाला जो हिस्सा है ना, पार्ट है, तो इसमें हम एक लेस डालेंगे, वो भी लेस मैं इसी कपड़े का डालूंगी जिससे हम लोग सब्जियां इसमें स्टोर करके इसको लेस की हेल्प से बंद कर सकें। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बड़ी बात ये कि ये कपड़े वाला जो स्टोरेज है, वेजिटेबल स्टोरेज मैं बना रही हूँ ना, इसमें सब्जियाँ बिल्कुल सेफ रहेंगी। पन्नी में रखने से क्या होता है प्लास्टिक वाले बैग में कि सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं, और वैसे भी प्लास्टिक बहुत नुकसान करती है हमारी हेल्थ के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसमें सिलाई लगा दी है, स्टिच कर लिया है पूरा, बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। और सबसे इसमें ना कोई भी खर्चा नहीं है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, झटपट से काम हो जाते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो हैंडल वाला एरिया था, सॉरी जो मैंने साइड वाला एरिया कट किया हुआ था ना, उस एरिया से ही एक थोड़ा सा पतला सा मैं लेस कट कर लूँगी, और ये कपड़ा होने की वजह से ना मज़बूत भी रहेगा। इसमें और कोई लेस डालने की ज़रूरत भी नहीं है, सेम इसी कपड़े का आप लेस कर करके इसमें जो सेफ्टी पिन होता है ना उसकी हेल्प से इसको इसमें इस तरह से लगा लीजिए, और बहुत अच्छे से इसमें सब्जियां आ जाएंगी। अभी देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। जिन लोगों को बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है ना, सिर्फ सुई धागा हल्का सा भी चलाना आता है ना, तो उनके लिए भी ये बहुत ही इजी आइटम है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसको बनाने में, और ये बहुत ही बेहतरीन रहता है। और इसका जो यूज़ है ना, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और सब्जियों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसको यहाँ पर मैं इसमें इस तरह से डाल लूँगी। जो मैंने 2 बार फोल्ड लगाया हुआ था ना, वो मैंने इसी लिए लगाया हुआ था, और मुझे ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी बहुत ही अच्छा लगा। इस वजह से अच्छा लगा ना, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं भी ऑनलाइन ऑर्डर करूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं पता नहीं कैसा निकले, क्योंकि आंखों से जो चीज़ पसंद करके लेते हैं ना, चेक करके लेते हैं, छूकर जो देख कर लेते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिलहाल ये मेरा ऑर्गेनाइज़र जो है ना बहुत ही बेहतरीन तैयार हुआ है, मुझे बहुत ही पसंद आया। और अब यहाँ पर देखिए मैं इसमें ये टमाटर भी रख के आपको दिखा देती हूँ। और जब प्लास्टिक वाली चीज़ों में हम लोग सामान रखते